शिव कुमार जी, एक चिंता का विषय जो खुलकर के सामने आ रहा है और मैंने देखा भी है, आप भी उस पर बड़े चिंतित हैं। आने वाले कुछ दशकों के बाद हमें डोगरी तलाशनी पड़ेगी, क्या आपको भी लगता है? क्या मैं सही बात कह रहा हूँ, लुप्त हो जाएगी डोगरी? कुछ ऐसे पिछले दिनों एक न्यूज़ आइटम कहीं देखी थी मैंने कि जम्मू सिटी में एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में बताया है कि जम्मू सिटी में डोगरी बोलने वालों की संख्या 10% है, और वो लोग जो डोगरी बोलते हैं वो हैं सारे सीनियर सिटीज़न। दैट मीन जो शायद अगले 10-20-30 साल तक ऊपर चले जाएंगे अगर ऐसी बात, और नई जनरेशन डोगरी नहीं बोलती, अगर ऐसी बात है तो जो आपका अनुमान है वो डर बिल्कुल है। सही है जी। कि अगर डोगरी लैंग्वेज 30-40 साल या 20-30 साल तक बहुत ही ख़त्म हो जाएगी, खासकर सिटीज़ में। जी बहुत ठीक है ये। डोगरी जो है वो शुरू होने चाहिए पहली से पांचवीं तक, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोलते हैं कि पहली से पांचवीं मदर टंग में होनी चाहिए। उसके बाद वो प्रपोज़ल वहाँ तक गया, फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी हैं हमारे एजुकेशन के उनको प्रपोज़ल दिया है, जो SCERT के चेयरमैन, बोस के चेयरमैन, सभी को दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि सारी टीम जो है, सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं काम करेंगे, और इस बैच से दैट मीन्स अप्रैल से डोगरी पहली से पांचवीं तक लग जाएगी, अगर ये काम करें तो। अगर बाई चांस काम में थोड़ी ढिलाई हुई तो हो सकता है एक साल और पड़ जाएगा। दूसरा हमने